नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान और मैं भी हूं मैदान में। कार्यक्रम लेकर एक बार फिर मैं हाजिर हूं। आज हम पहुंचे हैं वार्ड 29 में, जहां पर कमला यादव जी चुनावी मैदान में हैं और उनके पति आज हमारे साथ रूबरू होंगे। वो बताएंगे हमें कि क्षेत्र की जनता क्या चाहती है और क्षेत्र में किस तरह का विकास और परिवर्तन करना चाहते हैं। आज हमारे साथ हैं उन्हीं के पति, जानेंगे कि आखिरकार क्या तैयारियां हैं चुनावी मैदान में जाने के लिए। किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में जैसे सड़कें, नालियां, कूड़ा करकट, गंदगी और टूटी फूटी नालियां हैं, ये तो है ही समस्या। उसके अलावा लोगों को राशन कार्ड की बहुत दिक्कत रहती है, राशन की। तो हमारी भी सोच है, हम मैदान में इसलिए आए हैं, यहाँ पे जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो सुनी नहीं जा रही, अरे जो क्षेत्र की जनता है उसके लिए सुना नहीं जा रहा, इस वजह से हम चुनावी मैदान में आए। जब भारतीय समाज पार्टी से आपने टिकट लिया है और क्षेत्र की जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, और वैसे मैंने पहले भी बहुत सारे काम करे, जैसे पेंशन राशन कार्ड बनवाए, और भी बहुत सारे काम करे। ये सोच के क्षेत्र की जनता को बहुत कुछ चाहिए लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा, इस वजह से जनता इस बार जवाब दे। क्या लगता है, जिस तरह की एक बीजेपी की लहर को बदलने की बात की जा रही है, क्या जो आपके सामने है किसके फाइट में चल रहा है? तो वैसे तो फाइट में कोई नहीं, और अगर फाइट है सिर्फ बीजेपी से, वो बाकी जो क्षेत्र की जनता है वो अच्छा। क्या चेंजेस अभी होनी चाहिए? चेंजेस यहाँ पे जो सड़कें नालियाँ हैं आप क्षेत्र में तो देखेंगे, उसमें जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, हैं कूड़ेदान, और जैसे कि पेंशनों का है, पेंशन आदमी परेशान हो जाता है और उसकी समस्या कुछ हल नहीं होती। अगर पार्षद के पास जाता है तो वो उसके लिए भी जूझ रहा है। अच्छा, अगर बात करें 5 साल के क्षेत्र में ही है जो पार्षद है, उन्होंने 5 साल में क्या किया? अब ये तो क्षेत्र की जनता को सब पता है कि उन्होंने 5 साल में क्या करा है, और उसका जवाब भी मिलेगा 29 तारीख को। आपसे जानना चाहें तो नहीं, इसमें मैं कोई नहीं। तो ये हमारे साथ मिश्र यादव जी, उन्होंने हमारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। अब देखना ये होगा कि क्षेत्र की जनता इन पर कितना भरोसा जताएगी और 29 तारीख में मतदान करने के बाद 1 तारीख में किसके सर पर ताज सजेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोग के साथ अंकित चौहान, टीवी इंडिया।